तो दोस्तों ये है अलीगंज आईटीआई, जहाँ पर हर सप्ताह या 15 दिन में हमेशा रोज़गार के लिए कोई ना कोई कंपनी आती रहती है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आपको बता दूँ, हम लोग अभी आए थे जो कि इसराइल के लिए वैकेंसी चलने वाली थी उसके सिलसिले में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को वापस कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था जो लोग 2 दिन पहले आए थे उनका अभी वेटिंग चल रहा है, मतलब कि उनका प्रोसेस अभी पूरा ओके नहीं हुआ है, केवल प्रैक्टिकल करके छोड़ दिया गया है, इंटरव्यू वगैरह बाकी है। तो ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे और ऑफिसर्स थे जो समझा रहे थे लड़कों को कि इतनी संख्या में जो लोग हैं सबका हो पाना मुश्किल है, क्योंकि जो पहले से हैं उनका अभी अभी पेंडिंग है, तो जो अभी आ जा रहे हैं उनका नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलीगंज में जो आगे का प्रोसेस होगा आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं कैंपस से लौटने के बाद बना रहा हूँ, जब हम लोग वहाँ से निकाल दिए गए, क्योंकि हम लोग वहाँ 2 दिन देर गए थे। एक्चुअल में देर होने का वजह यह था कि पेपर में निकला था कुछ डेट 30 तक, लेकिन हम लोग 2 दिन पहले गए थे, फिर भी वहाँ से उन लोगों ने ये बोल के निकाल दिया कि जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, तो आप लोग कृपया चले जाएँ। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, वहाँ से लौट के आना पड़ा। हम लोग बताई गई सूचना के हिसाब से सही गए थे। ये देख सकते हैं वहाँ की कुछ भीड़ ऐसी थी, देख सकते हैं जैसे लग रहा है भाई साहब मेला है। तो देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोग जो 25, 30, 28, 35, 40, 42 तक, 45 तक, 45 तक के लोग भी आए थे। तो दोस्तों ये रहा कुछ ऐसा सीन वहाँ का। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे आप लोग वीडियो को देखते हैं मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ। हालांकि अभी अपनी पढ़ाई भी चल रही है, तो आप लोग वीडियो में ये देख सकते हैं कैसा भीड़ है, और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं ये कैंपस ये सॉरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है अलीगंज आईटीआई का कुछ सीन ऐसा। अलीगंज आईटीआई उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीआई है, देख सकते हैं सामने बोर्ड, और ये है यहाँ का गेट। तो यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी थे जो सारे भीड़ को मैनेज कर रहे थे। तो दोस्तों खैर हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम जहाँ से आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी राय बताइए कि क्या अलीगंज में सच में अच्छी अच्छी कंपनियों का प्लेसमेंट होता है कि नहीं, अगर आप लोग कभी आए हैं तो। दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने यहाँ का बहुत सारा वीडियो बनाया ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर भीड़ कितनी है। तो ये था कुछ सीन ऐसा। चलिए हम लौटते हैं फिर अपने घर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।